हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल साइंस कार, वेयर यू विल गेट ऑल द कांसेप्ट ऑफ क्लास 10 साइंस। हियर आई एम फियाज कैसर एंड आई विल टीच यू फिजिक्स। एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, दैट इज फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। So before starting the video, if you come first time on my channel, then please subscribe my channels and don't forget to press the bell icon so that you will get the latest video updates. Okay, without wasting our time, let's start the topic. So relation between F and R, that is focal length and radius of curvature. You can see that this is a spherical mirror in which this is the pole of the mirror. And this is the center of the curvature. The distance between the center of the curvature and pole is nothing but radius of the curvature. And the middle point of the CP is nothing but principal focus. That is, principal focus क्या है? इसके बीच का point है. तो जितना distance C और F के बीच में होगा, same distance F और P के बीच में होगा. ठीक है? So F और P के distance की जो distance है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Focal length. That is the distance between the principal focus and pole is called focal length. So according to figure we can write, from figure we can write CP is equal to radius of curvature, that is R, and CF is equal to FP is equal to फोकल लेंथ। एक्चुअली फोकल लेंथ हमारा क्या है? एफपी है, बट दिस इज द मिडिल पॉइंट, सो एफपी इज इक्वल टू सीपी। दोनों जगह पे क्या सकते हैं हम लोग? फोकल लेंथ, दैट इज स्मॉल एफ। सो सीपी इज इक्वल टू एफपी प्लस सीएफ। सो सीपी इज इक्वल टू आर एंड एफपी इज इक्वल टू एफ प्लस एफ, दैट इज आर इज इक्वल टू 2f, and this is the relation between radius of curvature and focal length. Also we can write f is equal to r upon 2. Okay, तो ये relation है focal length और radius के बीच में। या तो कह सकते हैं r is equal to 2f, मतलब जो हमारा radius of curvature है वो focal length के दो गुना है, और f is equal to r by 2, that means कह सकते हैं कि जो focal length होता है वो radius of curvature का हाफ होता है। चलो इसके बेसिस पे हम लोग दोनों मिरर्स देख लेते हैं। तब तक के लिए पॉज द वीडियो एंड अपडेट डाउन। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे? दोनों मिरर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ। हमको क्या निकालना है? फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है ऑफ ए स्फेरिकल मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। सो हमको क्या चाहिए? एफ चाहिए, फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ? 30 सेंटीमीटर। अभी हमने रिलेशन निकाला है, वी नो दैट आर इज इक्वल टू 2f। हमको एफ निकालना है, एफ फाइंड आउट करना है। तो एफ को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे, आर अपॉन 2, दो नीचे आ जाएगा। सो एफ इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, दैट इज एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा जो है वो बोला फाइंड द नेचर। अब हमको नेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसका? मिरर का। फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है ऑफ ए स्फेरिकल मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर -24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या करना है? उस कैसा स्फेरिकल मिरर है, कनकेव है या कन्वेक्स है, वो फाइंड आउट करना है। और साथ साथ में हमको फोकल लेंथ ही फाइंड आउट करना है, जबकि दिया क्या है? सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। नेचर निकालना है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर -24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने रिलेशन निकाला है, वी नो दैट आर इज इक्वल टू 2f। तो क्या करेंगे? f को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। सो f इज इक्वल टू r अपॉन 2, सो f इज इक्वल टू
माइनस 24 बाई 2, सो एफ इज इक्वल टू माइनस 12 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया फोकल लेंथ। बट हमको एक चीज और पूछा है, नेचर ऑफ द मिरर। तो नेचर ऑफ द मिरर ये कैसे पता होगा, तो ये डिपेंड करता है इस साइन पे। अगर पॉजिटिव साइन हुआ तो वो क्या होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। अगर नेगेटिव साइन हुआ तो वो कनकेव मिरर होगा। क्यों होगा ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग साइन कन्वेंशन बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दो न्यूमेरिकल्स है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ पे बेस है। ठीक है, नाउ अगले वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का, और साथ साथ ही इमेज फॉर्मेशन का। फिर भी अगर इस टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन राइज करें, वहां पे आंसर जरूर मिलेगा। और अगर इस टॉपिक का आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमारे वेबसाइट www.sciencecar.com पे जाके विजिट करें, वहां पे आपको मिल जाएगा। और तो मैं क्या करूंगा, अपने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हमें फॉलो भी करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सारे का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां पे जाके आप फॉलो करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो जाके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।